एक गांव में एक लालची दूध वाला रहता था। उसके पास एक काले रंग की भैंस थी। उस भैंस का एक बच्चा भी था। वह हमेशा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तड़पता रहता था। ए बछड़े, क्या अम्बा अम्बा लगा रखी है, चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता क्या? सुबह सुबह चिल्लाने लगता है, अगर तुझे इसका दूध पीने दूंगा तो मैं क्या निकालूंगा? चुपचाप वो घास खा ले, वरना वह भी नहीं मिलेगी। वैसे भी ये भैंस ज्यादा दूध नहीं देती, मुझे रोज इसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत दूध मिल पाता है। फिर वह लालची दूध वाला उस भैंस को इंजेक्शन लगाता है और उसका दूध निकालने लगता है। मेरा काम तो हो गया, अब इसे गांव में छोड़ देता हूँ, अपने आप घास फूस ढूंढ कर खा लेगी। चल चल। फिर वह भैंस भटकती भटकती एक खेत में घुस जाती है। तभी उस खेत का मालिक उसे देख लेता है। ए भैंस, चल निकल यहाँ से, रोज रोज मेरा ही खेत मिलता है क्या तुझे? तेरा मालिक भी महाकंजूस है जो तेरा दूध निकाल कर तुझे यूं आवारा छोड़ देता है। मैं तो रोज रोज तुझे भगा भगा कर परेशान हो गया हूँ। फिर वह बेचारी भैंस डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते जंगल की तरफ चली जाती है। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है। वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। वह भैंस बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे, ये भैंस जंगल में क्या कर रही है? ये जरूर किसी मनुष्य की भैंस होगी, क्यों ना मैं इसके शरीर पर अपना कब्जा कर लूं? इसकी मदद से मैं इस जंगल से निकल सकती हूँ। फिर वह चुड़ैल सीधा उस भैंस के अंदर घुस जाती है। अजी, इतनी रात हो गई है, हमारी भैंस अभी तक वापस लौट कर क्यों नहीं आई? किसी ने हमारी भैंस को चुरा तो नहीं लिया ना? अरे नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, वह आती ही होगी, हो सकता है बारिश की वजह से कहीं रुक गई हो। तभी सामने से उन्हें उनकी भैंस आती हुई दिखाई देती है। क्यों रे राम प्यारी, आज इतनी देर लगा दी आने में, कहाँ मटर गश्ती करने गई थी? तभी वह भैंस को गुस्सा आ जाता है और वह कल्लू को जोर से सींग मारकर हवा में उड़ा देती है। अरे, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हरी कमबख्त भैंस, तेरी इतनी हिम्मत अपने मालिक को मारती है। अजी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना जी? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस भैंस को क्या हो गया? रोज तो भीगी बिल्ली बन के रहती थी। अजी, हो सकता है ये बारिश में भीगने की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हो। आज रात इसे आराम करने देते हैं, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर भूख के मारे वह भैंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे यार, ये आज सुबह सुबह इसे क्या हो गया, सारी नींद ही खराब कर दी। अरे रुक जा, आ रहा हूँ। फिर किसान भैंस के लिए घास लेकर जाता है। फिर उसके सामने रूखी सूखी घास डाल देता है। क्यों री, आज तुझे क्या हो गया, ये घास क्यों नहीं खा रही? ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे क्या। फिर हर रोज की तरह वह उसे इंजेक्शन लगाता है। फिर जैसे ही वह उसका दूध निकालने लगता है, वह जोर से उसे टांग मारती है और वह दूर जाकर गिरता है। अरे मर गया, अरे हाय, मेरी कमर ही टूट गई। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, उस कमबख्त भैंस ने मुझे सींग मार कर हवा में उड़ा दिया। वह कमबख्त भैंस मुझे मार कर यहाँ से भाग गई। फिर वह भैंस एक दूध वाले के घर के बाहर से गुजर रही होती है। वहाँ एक गाय बंधी हुई होती है और पास में ही उस गाय का बछड़ा बंधा हुआ होता है। वह गाय का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तड़प रहा होता है। ये देखकर वह भूतिया भैंस सीधा उस बछड़े के पास जाती है और अपने मुंह से उसकी रस्सी तोड़ देती है। रस्सी टूटते ही
वह बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास जाता है और दूध पीने लगता है। अरे ये क्या, ये बछड़ा आजाद कैसे हो गया? मुझे इसे अभी रोकना होगा, नहीं तो ये सारा दूध पी जाएगा। फिर वह भागकर बछड़े की ओर जाता है। ए कमबख्त बछड़े, सारा दूध तू ही पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? चल हट वहाँ से, इस सारे दूध पर सिर्फ मेरा अधिकार है, चल हट। ये सब देखकर उस भैंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह भागती हुई जाती है और सीधा दूध वाले को टक्कर मारती है और उसे हवा में उड़ा देती है। अरे मर गया, अरे ये कौन है जिसने मुझे इतनी जोर की टक्कर मार दी? हाय इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। ये किसकी भैंस है, ये यहाँ कहाँ से आ गई? आए मेरी तो कमर ही टूट गई। फिर वह भैंस चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मर गए रे, ये तो कोई चुड़ैल है, मैं तो इसे साधारण भैंस समझ रहा था, ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी बछड़े को दूध पीने से नहीं रोकूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। फिर वह भैंस उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। फिर उस भैंस को अपने बच्चे का ध्यान आता है और वह वापस अपने घर की ओर चल देती है। तभी अंधेरा हो जाता है। अजी लगता है हमारी भैंस वापस आ गई है, ये उसी की आवाज है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों अपने घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी भैंस बाहर आंगन में खड़ी होती है। क्यों री भैंस आ गई घूम कर? तूने सुबह मेरे साथ ठीक नहीं किया और दो दिन हो गए तूने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। अभी रुक, मैं दो दिन का सारा दूध अभी निकाल लेता हूँ। अरे भगवान, जरा अंदर से वह इंजेक्शन लेकर आना जिससे ये दो गुना ज्यादा दूध देती है। अभी लाई जी, ये इसी के लायक है। फिर उसकी पत्नी भाग कर जाती है और वह इंजेक्शन ले आती है। लो जी लगा दो इसे ये इंजेक्शन, इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर जैसे ही कल्लू उसे इंजेक्शन लगाने लगता है वो फिर से उसे जोर से लात मारती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है, हमारी भैंस तो चुड़ैल निकली, हाय अब क्या होगा? हे भगवान, ये चुड़ैल तो हमें जिंदा ही खा जाएगी, कृपा करके हमारी रक्षा करो। ए लालची दूध वाले, बस बहुत हो गया, तूने इस बेजुबान जानवर पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब तू नहीं बचेगा। मुझे तो लगा था कि हम भूत प्रेत ही बुरे होते हैं, लेकिन तुम इंसानों ने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। हे चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था क्योंकि हमारे गांव के सारे दूध वाले अपनी भैंसों को इंजेक्शन लगा लगा कर ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, इसीलिए मैंने भी इसे इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। कृपा करके मुझे माफ कर दो, मुझे मारकर आपको क्या हासिल होगा? क्या कहा, इस गांव में और भी लोग हैं जो अपनी अपनी गायें को ये जहरीला टीका लगाते हैं? जी चुड़ैल जी, इसी वजह से मैंने भी इसे टीका लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, गांव में जितने भी लोग इस टीके का इस्तेमाल करते हैं तुम्हें उन सबको रोकना होगा जब तक मैं इस भैंस के शरीर में रहूंगी। फिर जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब कोई भी दूध वाला इस टीके का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मैं खुद ब खुद इसका शरीर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा चुड़ैल जी, मैं आज ही पूरे गांव में घूम घूम कर ये पता लगाऊंगा और उन सब की शिकायत दरोगा साहब से करके उन्हें सजा दिलवाऊंगा। फिर लालची दूध वाला अपनी गलती सुधारता है और बाकी के गांव वालों को भी ऐसा करने से रोकता है। फिर कुछ ही दिनों में वह चुड़ैल भी उस भैंस का शरीर छोड़कर वापस जंगल में चली जाती है।